गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम हिस्ट्री थोड़ी बहुत कवर की है, तो आपको वो हिस्ट्री के सेशंस कैसे लगे? जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ उन चैनल्स को, उनकी हिस्ट्री को ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में अपडेटेड सेशंस हैं, आपको हिमाचल जीके की प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपका वन लाइनर्स भी हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं और हिमाचल जीके के जितने भी सेशंस हैं उनको डील किया जाएगा। आज हम डील कर रहे हैं, आज एक इंटरेस्टिंग वे से हम कोशिश करेंगे आपके आगे ज्योग्राफी लाने की, जिसमें हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। अगर स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि मैम बहुत इजी करवा रहे हैं, देखिए जब तक आप बेसिक आप ही नहीं हो, और भी बच्चे हैं जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, जिनका हिमाचल, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ना है, तो उन सब के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं आज आपको कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। वैसे तो ये ज्योग्राफी आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी, लेकिन चलिए फिर से, क्योंकि हिमाचल जी के फिर से करवाना है तो मुझे ये दोबारा से सेशंस को वो करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो और फिर उसके बाद कुछ नई दो तीन टॉपिक्स हैं इसके नए जो डील करेंगे हम, जैसे इसी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन है, देखिए सबसे पहली चीज़ हिमाचल, आज हम कर रहे हैं हिमाचल के बारे में। देखिए आपको सबसे पहले तो ये देखिए, आपने सबने पढ़ा होगा ये बुक में कि हिमाचल क्या है, हिमाचल कितना है, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि फिर से ये मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ कुछ नए फॉर्म पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ हिमाचल, हिम प्लस, देखिए जो हिमाचल है, हमें पता है कि जो हिमाचल है वो दो वर्ड से बना है, हिम प्लस अचल, जिसका मतलब, हिम का मतलब होता है स्नो और अचल का मतलब होता है लैप, ठीक है। तो दैट इज़ द लैप ऑफ स्नो। तो ये आपको एरिया दिख रहा है, आपको पता है ये एरिया कौन सा है, ये है आपका शिमला एंड दिस इज़ द रिज। तो ये जो शिमला का पार्ट है, दैट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ आपका हिमाचल का पार्ट है, और ये हिमाचल का पार्ट क्या लेकर चल रहा है, स्नो एंड लैप। यानी हम हिमाचल जो है वो हिमालयस के अंदर आता है, हिमालयस का पार्ट है, और हिमालयस के अंदर कौन, इसको क्या कहते हैं, अबॉड ऑफ स्नो, ये क्वेश्चन भी आता है, दैट इज़ अबॉड ऑफ स्नो सराउंडेड बाय द स्नो एंड इट इज़ कॉल्ड एज द अबॉड ऑफ स्नो इन द लैप ऑफ स्नो, या फिर इसको हम एक और चीज़, हिमाचल इज़ द स्टेट विच इज़ नोन फॉर एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया एंड द पोटैटो स्टेट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आलू भी होते हैं, तो एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। और इसको हिमाचल नाम किसने दिया है, इसको नाम दिया है आपके दिवाकर दत्त शर्मा ने। ये याद रखना कि हिमाचल का नाम जो था हिमाचल, वो किसने रखा है, आपका दिवाकर दत्त शर्मा ने। तो सबसे पहली चीज़, आपका हिमाचल किससे बना है, हिमाचल कैसा है, इसका लैटिट्यूड कितना है, इसकी देखिए कई बार पेपर में क्या पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि इसकी जो लैटिट्यूड कितना है, ये किस किस कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स किसके साथ बनाता है, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स किसके साथ बनाता है, तो ये भी देखते हैं। तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम कर रहे हैं आपका वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है। सबसे पहली चीज़, हिमाचल कहाँ पर आता है, अगर ये इंडिया का पार्ट है तो इंडिया के वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयस, तो सबसे पहली चीज़ वेस्टर्न साइड ऑफ हिमालयस को ये कवर करता है, यानी आपके पश्चिमी हिमालयस, पश्चिमी हिमालयस, ठीक है। अब इसका पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट इज़ लैटिट्यूड और व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड होता है जो ये लाइन्स चलती हैं, जो लाइन्स ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं आपकी, उनको हम बोलते हैं आपकी ये जो लाइंस हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं जो कि आपकी ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है, जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो आपकी ये पैरेलल लाइंस चलती हैं दैट इज़ कॉल्ड आपका, जैसे परपेंडिकुलर है ये आपकी इस तरह से जो लाइंस चल रही हैं दैट इज़ कॉल्ड आपका लैटिट्यूड। बट एक चीज़ याद रखना, जो अक्षांश और दीक्षांश, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश और दीक्षांश, जो लाइंस इस तरह से चलती हैं, यानी जब लाइंस आपकी ईस्ट वेस्ट चल रही हैं तो वो आपको किस चीज़ को मेज़र करेंगी, नॉर्थ एंड साउथ को। और जो लाइंस आपकी लॉन्गिट्यूडनल ऊपर से नीचे चलती हैं लेकिन
ये डायरेक्शन किसकी बताते हैं, ईस्ट और वेस्ट की, ये याद रखियो। तो पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए, देखिए ये अर्थ का इक्वेटर है, मिडल लाइन इज इक्वेटर, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, ये तो हमें पता है। नॉर्थ पोल को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम किसको बोलते हैं, साउथ वाले पार्ट को, इक्वेटर, ठीक है। तो ये जो आपकी, अगर आपकी लाइंस इस तरह से हैं तो ये किसकी डायरेक्शन को बताएंगे, ये किसको मेज़र करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ को। जो लाइंस आपकी ये वाली हैं सीधी पड़ रही हैं, ये होती हैं लॉन्गिट्यूड, जो आपकी डायरेक्शन क्या बताता है, ईस्ट और वेस्ट। तो सबसे बड़ी चीज़ कि अब देखिए लैटिट्यूड जो आपकी इस तरह से लाइंस थी वो किसकी डायरेक्शन को बताती है, नॉर्थ से साउथ तक की। तो 30 डिग्री आपका जो लैटी हिमाचल जो है वो कितने अक्षांश पे है, 30 से लेकर 33 डिग्री तक। जो हिमाचल का लैटिट्यूड है दैट इज़ 30 to 33, आप बस ये याद रखिए, और लॉन्गिट्यूड जो है ये है 75 से लेकर 79 तक, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ हिमाचल, दैट इज़ 30 to 33, लॉन्गिट्यूड 75 to 79, तीस में तीन ऐड कर दो तो लैटिट्यूड, 75 में 4 ऐड करो तो आपका लॉन्गिट्यूड। अब ये जो है देखिए ये बाउंड्रीज किस किस के साथ बनाता है, अगर ये नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो नॉर्थ से साउथ जब ये कवर करता है तो हरियाणा के साथ ये कितने किलोमीटर्स तक कवर कर रहा है, 1170। देखिए अब अगर हम इसी डायरेक्शन से करें, इसके ईस्ट में है तिब्बत, वेस्ट में आता है पंजाब, ठीक है, आगे मैप में बताऊंगी मैं, आपके जम्मू एंड कश्मीर टॉप पे है ये तो हमें पता है, और साउथ में क्या आएगा, हरियाणा या उत्तराखंड, हरियाणा इस साइड आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका मैप देखते हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया बर्फ़ का अचल यानी पहाड़, ठीक है, बर्फ़ से घिरा हुआ, बर्फ़ का ठिकाना, भारत का सेब राज्य, दिवाकर दत्त द्वारा दिया गया नाम, अक्षांश दैट इज लैटिट्यूड इज 30 to 33 degree नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड दैट इज ईस्ट, लॉन्गिट्यूड चलता ऊपर से नीचे है, लाइंस उसकी ऊपर से नीचे चलती हैं, लेकिन ये डायरेक्शन किसको बताता है, ईस्ट वेस्ट। हरियाणा से दक्षिण तक इसकी जो लेंथ है दैट इज 1170 किलोमीटर्स, इसकी सीमा है तिब्बत पे पूर्व, पश्चिम जो है पंजाब में है और जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए अब देखते हैं, ये आपका एक मैप के थ्रू करते हैं, चलिए आज हम मैप के थ्रू करते हैं ताकि आपको याद रहे, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी सेशन है, अगर आपको कुछ नया करना है तब भी, और अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना। ये इंडिया का नक्शा है भैया आपका, तो आपको तो इंडिया के मैप में, दिस इज़ द पार्ट ऑफ हिमाचल, ठीक है, और हिमाचल कहाँ पे आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है ना, तो दैट कवर्स वेस्टर्न हिमालयस, राइट। अब हिमाचल का ये बाउंड्री है, ये इसका साउथ, ये इसका ईस्ट, ठीक है, ये इसका वेस्ट, तो ये इस साइड पे चल रहा है आपका, तो वेस्टर्न हिमालयस। अगर अब बात करें तो ये क्या है आपका, ऊपर क्या पार्ट पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर, नीचे पार्ट पड़ता है हरियाणा, इस साइड पार्ट पड़ रहा है पंजाब, और इस साइड पड़ता है आपका तिब्बत, राइट। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये कौन सा पार्ट आता है, और ये जो है आपका इस साइड, दिस इज़ कॉल्ड उत्तराखंड, साउथ ईस्ट पार्ट, राइट। तो ये जो है आपका, तो अगर हम देखें इसका पार्ट कि आपकी बाउंड्रीज किस किस के साथ बनाता है ये, तो सबसे पहली चीज़ ये बाउंड्री चाइना के साथ, चाइना का कौन सा पार्ट, देखिए यहाँ अगर हम हिमाचल की बात करें, चलिए ये हिमाचल का मैप है, नॉर्थ में है, अगर हम इसके इस साइड पे ऐसे करते हैं तो नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, ईस्ट में तिब्बत, वेस्ट साउथ में है आपके हरियाणा, मैं पहले ऐसे कर देती हूँ, और फिर यहाँ पे है आपका पंजाब। अब ध्यान से देखिए ये आपके पार्ट्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये ईस्ट में तिब्बत है, तो तिब्बत कहाँ पे पड़ता है आपका, चाइना, तो चाइना के साथ कौन सी बाउंड्रीज लग रही हैं, लाहौल स्पीति किन्नौर,
तो अगर आपका देखिए चाइना के साथ कौन सा बॉन्ड लग रहा है आपका, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, यानी हिमाचल का चाइना के साथ, ईस्ट में हिमाचल के क्या पड़ता है, हिमाचल का जो ईस्टर्न पार्ट है वो तिब्बत है, तो डिस्ट्रिक्स भी कौन सी आती है, किन्नौर और लाहौल, यहाँ तक क्लियर। अब आ जाओ हरियाणा, हरियाणा के साथ कौन बाउंड्रीज बना रहा है, सोलन, शिमला एंड सिरमौर, तो हरियाणा के साथ सोलन है, सिरमौर भी है और शिमला भी है, ज़्यादातर आप इसको ले सकते हो, चलिए शिमला को हम इस साइड कर लें, पर सबसे ज़्यादा हरियाणा के साथ क्या बनाता है आपका, सोलन एंड सिरमौर, तो सोलन एंड सिरमौर, राइट। अब आ जाओ पंजाब, तो पंजाब में कौन सा आता है, ऊना, राइट, पंजाब में ऊना आ रहा है आपका, कांगड़ा आता है, थोड़ा सा पार्ट चंबा का आ रहा है, ठीक है, आपका ये कौन सा है, बिलासपुर आ रहा है, ठीक है, तो ये आ गया आपका सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, चंबा। पंजाब के साथ सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्स, पांच डिस्ट्रिक्स पंजाब के साथ बॉर्डर बनाती हैं, राइट। जम्मू एंड कश्मीर के साथ आपका चंबा और कांगड़ा, ये पार्ट ये देख लीजिए, राइट, तो ये पार्टी है, और आपका उत्तर प्रदेश के साथ सिरमौर और शिमला, ये पार्ट्स बनाती हैं। तो आपको ये याद रखना है, अगर हम इसको दोबारा से करें तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, ईस्ट में तिब्बत है, तिब्बत के साथ कौन सी बाउंड्री है, चाइना, तो चाइना, क्योंकि किन्नौर और तिब्बत को कौन सी रेंज अलग करती है, झांसकर रेंज, किन्नौर और तिब्बत को कौन अलग करता है, झांसकर रेंज, तो किन्नौर और तिब्बत, यहाँ से लाहौल स्पीति, लेह, लद्दाख एरिया, तो ये जो आपका है ये भी आपका जो है झांसकर रेंज अलग करती है, तो लाहौल स्पीति और किन्नौर का पार्ट जो है वो तिब्बत से अलग होता है और उसको कौन करता है, झांसकर रेंज, और यहाँ पे क्या है, चाइना, तो चाइना के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्स बॉर्डर बनाती है, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, तो ये चीज़ क्लियर। आ जाओ अब आपके साउथ ईस्ट में पड़ता है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के साथ आपका क्या आएगा, थोड़ा सा पार्ट किन्नौर का, शिमला का और सिरमौर का, तो ये पड़ गया आपका उत्तराखंड, क्यों, क्योंकि ये साउथ ईस्ट पार्ट है, तो साउथ ईस्ट में अगर आपके यहाँ पे, अगर ये साउथ ईस्ट ये पार्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है, तो ईस्ट में तिब्बत के साथ आपका थोड़ा बहुत क्या लग जाएगा, यही आता ना किन्नौर, क्योंकि किन्नौर का पार्ट, थोड़ा सा सोलन का पार्ट लगेगा, थोड़ा सिरमौर का पार्ट, फिर आता हरियाणा, तो हरियाणा जो है आपके साउथ में है, तो साउथ में हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती हैं, सोलन एंड सिरमौर, तो ये हरियाणा। पंजाब में पहले तो आप चंबा को याद कर लीजिए, फिर कांगड़ा, ऊना भी आपको पता है कि पंजाब से ही होके जाते हैं तभी जाकर चंडीगढ़ पहुंचते हैं, ठीक है, हम आपका जो है बिलासपुर, राइट, तो ये सारे क्या हैं, पंजाब, और जम्मू एंड कश्मीर जो है इसके साथ क्या पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ पदरी जोत से आपका चंबा, ठीक है, कांगड़ा भी जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर की साइड से आता है, उत्तर प्रदेश में लगता है सिरमौर, तो किस किस को मैप क्लियर हो गया, फिर से एक बार मैप को समझने की अगर कोशिश है तो आप मुझे बता देना, मैं आपका एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए यहाँ तक अगर समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, देखिए मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रही हूँ, ऐसा मैं सोचे कि नहीं पढ़ती, पढ़ रही हूँ, बट आप लिख भी दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और मैप अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो देखिए आपका, मैंने बोला ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, इस साइड आपका तिब्बत है, इस साइड हरियाणा है और इस साइड आपका पंजाब है, ठीक है। अगर अब हम बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत एरिया जो है वो किससे अलग करता है आपके हिमाचल को, झांसकर रेंज इसकी अलग करती है। तिब्बत की साइड पे कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो ईस्ट में फ्लो करते हैं, दैट इज़ किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, ये आ गया आपका चाइना का पार्ट, ये आ गया ईस्ट। अगर हम वेस्ट की पार्ट करें, चलो ईस्ट के साथ हम वेस्ट देखते हैं, वेस्ट में क्या है, पंजाब, तो पंजाब के साथ कौन कौन बॉर्डर, ऊना तो बनाता ही है, कांगड़ा भी बनाता है, चंबा भी बनाता है, बिलासपुर भी बनाता है एंड समवट सोलन भी बनाता है, ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया वेस्ट पार्ट। अब आ जाओ आप नॉर्थ पार्ट पे, नॉर्थ में हमारी बाउंड्री है जम्मू, तो जम्मू के साथ कौन बना रहा है आपका, थोड़ा बहुत चंबा, कांगड़ा और थोड़ा समवट लाहौल स्पीति, राइट, तो ये आता है। उसके बाद आपका जो है वेस्ट में आ जाओ,
वेस्ट में सॉरी साउथ में आ जाओ, हरियाणा, हरियाणा जो है आपके सोलन, सिरमौर, शिमला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाता है, और किन्नौर भी बनाता है और आपका सिरमौर भी बनाता है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इसमें सबसे चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी स्टेट है जो हिमाचल की मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ जुड़ती है, दैट इज़ पंजाब। ठीक है, ये किसके साथ जुड़ती है? पंजाब के साथ। पंजाब जो है कितनी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जुड़ता है? पांच। कांगड़ा एंड मंडी, ये जो कांगड़ा और मंडी है ये मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जुड़ता है। देखो कांगड़ा मंडी चंबा के साथ भी जुड़ता है, आपका कांगड़ा चंबा के साथ जुड़ता है, हमीरपुर के साथ जुड़ता है, ऊना के साथ जुड़ता है। मंडी, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, बिलासपुर, सोलन, शिमला, ये सारी तो मैक्सिमम टचेस कांगड़ा और मंडी के जो बॉर्डर्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जुड़ते हैं? छः। पंजाब के साथ पांच डिस्ट्रिक्ट्स जुड़ते हैं, कांगड़ा और मंडी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बॉर्डर्स बनाते हैं? छः के साथ बनाते हैं। चंबा एंड सिरमौर जो हैं, चंबा आपका और सिरमौर ये मिनिमम है, चंबा ज़्यादातर जम्मू के साथ बना रहा है या कांगड़ा के साथ बना रहा है, राइट। लेकिन आपका सिरमौर जो है ये भी आपका हरियाणा या उत्तर प्रदेश, तो मिनिमम बॉर्डर्स कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिनिमम बॉर्डर्स शेयर करती है? चंबा एंड सिरमौर। कौन सी सबसे ज़्यादा बॉर्डर्स शेयर करती है? आपका कांगड़ा एंड आपका मंडी। और कौन सी स्टेट है जो हिमाचल की मैक्सिमम बाउंड्रीज के साथ शेयर होता है? दैट इज़ पंजाब। तो ये याद रखना, पंजाब छः पाँच डिस्ट्रिक्ट के साथ बनाता है, कांगड़ा और मंडी छः के साथ बॉर्डर्स बनाता है आपस में, चंबा एंड सिरमौर जो है ये इसके मिनिमम बॉर्डर्स हैं, एक दो। ठीक है, यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया भाई? सेशन कैसा लग रहा है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, आपकी शेयरिंग बहुत बड़ी मोटिवेशन है। कई बार ऐसा लगता है कि आपको सेशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, पसंद आ रहा है कि इसमें कोई कमी है, कई बार ऐसी फीलिंग आती है। तो प्लीज़ बूस्ट ऑन अस एंड बूस्ट अस, ताकि हम भी जो है आपके लिए और अच्छा लेकर आ सकें। ठीक है, चलिए, चीन आपको पता चल गया, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति ये हो गया क्लियर। फिर से आपका पंजाब, कांगड़ा, ऊना, हमीर, बिलासपुर, सोलन, ये चंबा, हरियाणा, सोलन एंड सिरमौर, शिमला, उत्तराखंड, ठीक है, और उत्तर प्रदेश। अब पंजाब जो है वो छः डिस पाँच जिलों के साथ बाउंड्रीज बनाता है, कांगड़ा एंड मंडी छः डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बनाता है। स्टेट सबसे ज़्यादा शेयर किसके साथ करती है? पंजाब के साथ। चंबा जो है आपका मिनिमम बनाता है, मतलब सबसे कम बॉर्डर्स चंबा के हैं और सिरमौर के हैं। नाउ ये कवर करते हैं, फिर इसके बाद हम माउंटेन्स का कवर करेंगे। अगर आपको कुछ नया टॉपिक चाहिए तब भी बता देना। टोटल एरिया, देखिए हिमाचल का जो टोटल एरिया है ये क्वेश्चन आता है आपके जो पटवारी के बच्चे हैं ना, एचपी पुलिस के बच्चे हैं या पटवारी के बच्चे हैं या फॉरेस्ट गार्ड, टीजीटी, उन सब में ये क्वेश्चन कई बार इतना होता है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आ जाता है और हम वो हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए हिमाचल बना कब था? ये बना था 15 अप्रैल को 1948। उस हिसाब से इसका जो एरिया था तब कम था, तो अभी कितना है? 55673 किलोमीटर स्क्वेयर किलोमीटर्स, जो इंडिया का कितना भाग है? 1.7%। कितना भाग है? 1.7। ये जब ये राज्य बना था तो ये कौन सा राज्य बना था? 18वां राज्य। कब बना था? 25 जनवरी 1971 को इसको स्टेटहुड दे दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। कहाँ पे? गिरिजा मैदान। गिरिजा मैदान कौन सा है? जो आपका रिज है, रिज, ठीक है। तो ये आपका 18वां डिस्ट्रिक्ट बना, लेकिन एरिया वाइज ये कौन सा है? 17th रैंक पे है, ठीक है। एज पर सेंसस, देखिए 2011 की गणना के अनुसार हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी है? ये भी क्वेश्चन आता है, 68,050, सॉरी आपका 1/10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 68,56,509 जो है दैट इज़ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 123। आपका सेक्स रेशो कितना है? 972। लिटरेसी रेट जो है दैट इज़ 83.80 हो चुका है, बट अगर सेंसिस के हिसाब से देखा जाए तो 88, 82.8। तो ये कवर करना है। तो पॉपुलेशन
पॉपुलेशन के हिसाब से ये कितना भारत को कवर करता है, 0.57 एंड द रैंक वाइज 21। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये 18 स्टेट है, 17 स्टेट भी है एरिया वाइज, बट कई बुक्स में ये लिखा है कि जब तेलंगाना बन गया है, आफ्टर तेलंगाना दैट इट बिकम्स द 18 स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये भी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका हिमाचल कब बना, 15 अप्रैल 1948 को, कितनी रियासतों को मिलाकर, 30 रियासतें। एंड आई थिंक आपको 30 जितने भी हमने जो भी नया कैंडिडेट है वो पिछली रियासतों को ज़रूर देखे, उनमें हमने सारी रियासतों के फाउंडर और उनकी एक्टिविटीज़ को डील किया है, वन लाइनर्स देखे, प्लेलिस्ट में सारा अपडेटेड है। तो प्लीज़ जिसने नहीं देखा है वो ये ज़रूर देखे कि रियासतों की एक क्लास है, उसको भी डील कीजिए। 15 अप्रैल को बना था 30 रियासतों को मिलाकर, 30 रियासतों को मिलाकर हमारा हिमाचल प्रांत बना था। और ये 25 जनवरी 1971 में जो है ये इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। इस टाइम पे सिर्फ हिमाचल की एग्जिस्टेंस, कई बार पूछा जाता है कि हिमाचल डे कब मनता है, तो वहाँ पे दोनों डेट्स दी होती हैं, 25 भी दी गई होती है, 15 भी दी गई होती है, पर हमने हमसे पूछा गया है हिमाचल डे तो वो 15 अप्रैल है, हिमाचल स्टेटहुड डे जो है वो है 25 जनवरी, ये याद रखना। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अब 2 अक्टूबर से गोल्डन रथ यात्रा चल रही है, इसका ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, और ये कब तक चलेगी, 25 जनवरी 2022 तक चलेगी। इसकी जो कमेटी है वो किसके अंडर है, राजीव बिंदल के अंडर है। ठीक है, वो इसमें डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा जस्ट टू सेलिब्रेट द गोल्डन ईरा ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल। हिमाचल की फॉर्मेशन 25 जनवरी को हुई थी, लेकिन हिमाचल की एग्जिस्टेंस आई थी 15 अप्रैल, 30 रियासतों को मिलाने के बाद। जब ये 30 रियासतें बनी तो ये क्या बना था, आयुक्त बना था, चीफ कमिश्नर आयुक्त। ठीक है, कब बना था, 1948 में बना था, और कब तक चला था, 1951। तो ये जो था ये क्या, उस टाइम पे इसके जो आयुक्त थे वो थे एनसी मेहता। ठीक है, फिर 1951 में इसको क्या कर दिया गया, था पार्ट सी स्टेट घोषित कर दिया गया था। जब ये पार्ट सी बना तो हिम्मतुल्ला बेग, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। ठीक है, हिम्मत बेग। ठीक है, उसके बाद 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुई, तो 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसमें बजरंग बहादुर वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, आयुक्त के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। और फिर 56 में इसको पार्ट सी ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी, और ये कब तक बनी थी, 71 तक ये यूनियन टेरिटरी ही रही थी। बजरंग बहादुर वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, और बाद में लास्ट थे भगवान सहाय। ठीक है, तो 1951 से 56 तक पार्ट सी, 56 से 57 पार्ट सी में कौन थे, हिम्मत बेग। ठीक है, हिम्मत लेफ्टिनेंट कौन बना था, हिम्मत लेफ्टिनेंट जर्नलिस्ट मिस्टर हिम्मत सिंह। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में कौन बना था, लेफ्टिनेंट गवर्नर बजरंग बहादुर। और 25 जनवरी 1971 को बना स्टेटहुड डे, स्टेटहुड डे में जो फर्स्ट सीएम थे हमारे वो कौन थे, वाईएस परमार, और पहले गवर्नर कौन थे, एस चक्रवर्ती। राइट, तो यहाँ तक क्लियर है। और चीफ कमिश्नर में कौन बने, एनसी मेहता, और डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन थे, ईपी मून। ये हिंदी का है, क्षेत्रफल कितना है, इंडिया का कितना कवर करता है, पॉपुलेशन वाइज 21 रैंक है, और अगर देखा जाए 0.57 पॉपुलेशन डेंसिटी, कई बार पूछे हैं, बहुत बार पूछी जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 123। सेक्स रेशियो कितनी है, 973। सबसे लिटरेट स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपकी हमीरपुर। सबसे कम लिटरेसी किसकी है, आपकी चंबा। सबसे अर्बन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, शिमला। सबसे डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया दैट इज़ आपकी लाहौल स्पीति। क्राइम्स वाली जो है वो है आपकी कांगड़ा। रोड डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, हमीरपुर की। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आता है आपका, ये याद रखिए, नेक्स्ट आता है इसकी रिवर्स। अभी हमने ज्योग्राफी का जो सेशन है उसको भी ज़रूर देखना आप, ज्योग्राफी का सेशन जो है कल
आपका, उसमें हमने इंडिया की रिवर्स से क्वेश्चंस उठाए हैं। तो 5 बजे का सेशन है ज्योग्राफी का एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से रिवर्स को उठाने की कोशिश, मतलब रिवर्स से कुछ क्वेश्चंस को लाने की कोशिश की है। तो आगे भी इनसे जो है और क्वेश्चंस लाऊंगी, पर धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो उन सेशंस को 5 बजे जरूर देखना, और फिर सैटरडे को फॉरेस्ट गार्ड की क्लास को भी जरूर देखना, फॉरेस्ट गार्ड की क्लास जो कि एक प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, तो अब आपको पता है हिमाचल इज़ मेड फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम 5 रिवर्स। ये कितनी रिवर्स हैं? 5 रिवर्स। 5 रिवर्स में जो है ये है आपका पूरा हिमाचल। तो इसमें सबसे सतलुज, रावी, आपके झेलम तो नहीं आती है हमारे उसमें जम्मू एंड कश्मीर में, चिनाब, ब्यास, ठीक है, यमुना। तो 5 नदियां हैं, 5 नदियों के संगम से आपका हिमाचल बना है। जो ये सतलुज नदी है, ये दिख रही है आपको सतलुज नदी, ये सतलुज नदी, दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है सतलुज, ये कहाँ से निकलती है? ये आपके तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर लेक है, मानसरोवर में जो है ये एक राक्षस ताल से निकलती है। इसको शतादरु भी बोलते हैं, सतुद्री और शतादरु। तो ये सतलुज सबसे पहले कहाँ से? शिपकिला से होती हुई, यहाँ पे लिख देती हूँ, शिपकिला में से होती हुई सबसे पहले कहाँ पे एंटर करती है? किन्नौर में। किन्नौर से ये एंटर करती है शिमला में, चौड़ा से एंटर करेगी शिमला, फिर मंडी में एंटर करती है फिरनू से, मंडी से बिलासपुर आप मान के चलिए, अगर इसको बिलासपुर एंटर करना है देन इट इज़ कसोल, नीला पे छोड़ देती है। सबसे बड़ी झील इस पे बनी है गोविंद सागर, भाखड़ा नंगल डैम इस पे बना, और हिमाचल की एकमात्र सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी सतलुज। चिनाब, चिनाब जो है ये सबसे बड़ी नदी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। कहाँ पे बहती है? चिनाब जो है बारालाचा पास से निकलती है। चिनाब का जो नाम है चंद्र और भागा नदी है, वैसे इसको 80 किमी भी बोलते हैं। तांडी रिवर, चंद्र और भागा कहाँ पे मिलती है? तांडी में मिलती है, और तांडी जहाँ पे द्रौपदी को दबाया गया था, ठीक है, बारालाचा से निकलती है, और भुजिंड में पांगी में एंटर करती है, और संसारी लांडा से चंबा को छोड़ के कहाँ पे एंटर कर देती है? पोडर वैली। तो ये नहीं, ये आपका वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी है। रावी, रावी जो है ये है बड़ा बंगाल जो कि खैरी, ठीक है, और खैरी से मतलब बाहर निकल जाती है और जम्मू में एंटर करती है माधोपुर से, राइट। फिर उसके बाद ब्यास, ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कांगड़ा मंडी, ठीक है, कांगड़ा में आपके संधोल से एंटर करती है, मंडी में बजोरा से एंटर करती है। सतलुज और कांगड़ा इसका ब्यास का मिलन हरिकापट्टन होता है। पंजाब में एंटर करती है मूरथल से, ठीक है, तो ये नहीं है, ये भी आपकी नदी होगी। तो ये सारी है, और यमुना सबसे, देखिए सबसे बड़ी नदी सतलुज, सबसे बड़ी नदी वॉल्यूम वाइज चिनाब, सबसे छोटी नदी यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? खुद मजरी यमुनोत्री से निकलती है, सिरमौर में एंटर करेगी, ये सिर्फ सिरमौर में बहती है। तो कितने? 22 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये क्या करती है? यमुना एंटर करेगी यमुनोत्री से, सिरमौर में एंटर करेगी खोदर मजरी, ताजेवाला से बाहर निकल जाएगी। यमुना का रिलेशन सन के साथ भी है, कालिंदी भी बोलते हैं। यमुना की कई ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे गिरी जो कि कूपर पीक से निकलती है और मोकमपुर में एंटर करती है। द आपकी जो टोंस हैं, टोंस सबसे बड़ी है, धरती रेंज से दधाऊ के साथ जो है ये यहाँ पे मिलती है। फिर उसके बाद आपका पब्बर नदी चकार्ता में जाकर मिलती है। पटसरी नदी है आपकी जो है क्या बोलते हैं आंध्रा नदी है, ठीक है। तो ये सारी नदी जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ब्यास की भी आपकी पार्वती नदी है, मनालसू है, सुजॉइन है, ऊहल है, ये सारी हैं सतलुज की ट्रिब्यूटरीज। ये सारा हम रिवर सेक्शन फिर से करेंगे, रिवर सेक्शन करेंगे तो उसमें करेंगे क्लियर, पर किसी और वे से करवाऊंगी इस बार में, ठीक है। नाउ डिस्ट्रिक्ट, अब देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल में? 12 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से? अगर देखा जाए चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर। देखिए सबकी कैपिटल्स चंबा ही है, सिर्फ लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर केलांग है, ये याद कर लीजिए। किन्नौर का क्या है? रिकांगपियो, ठीक है। बाकी कैपिटल इज़ शिमला, फर्स्ट कैपिटल इज़ शिमला,
सेकंड कैपिटल इज़ धर्मशाला। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस कितनी हैं? 5, ठीक है, पहले 2 थी, अब 3 और बढ़ा दी गई हैं। कांगड़ा पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज कौन सी है? कांगड़ा। और पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज कौन सी है? हमीरपुर। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है आपकी? लाहौल स्पीति में, ठीक है। एरिया वाइज सबसे छोटा जो है दैट इज, सबसे बड़ा जो है आपका लाहौल स्पीति और वैसे बिलासपुर, ठीक है। तो ये नहीं, सिरमौर सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है, किन्नौर ईस्ट में रहता है, चंबा एंड लाहौल इज़ इन नॉर्थ साइड। चंबा और लाहौल कहाँ पे? नॉर्थ में है। सिरमौर आपका जो आता है साउदर्न मोस्ट है, किन्नौर ईस्ट में पड़ गया, ऊना जो है और कांगड़ा आपके वेस्ट में पड़ता है, कुल्लू और मंडी मिडल में आ गया, हमीरपुर कांगड़ा बिलासपुर ऊना जो है ये वेस्टर्न में, ठीक है। तो ये याद रखना कि किन्नौर हिमाचल के ईस्ट में, किन्नौर नॉर्थ में, चंबा एंड लाहौल साउथ में, सिरमौर आपका पंजाब की साइड पे, अगर ऊना है तो वेस्ट में आपका ऊना बिलासपुर कांगड़ा मंडी हमीरपुर, सॉरी। यहाँ तक किस किस को क्लियर है भाई? ठीक है, उसके बाद ये 5 नदियाँ हैं, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, सबसे कम लिटरेसी कहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। तो स्टूडेंट्स, आज का ये छोटा सा सेशन था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ गाइस लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। कैसा लगा ये सेशन? बेसिक से इसलिए शुरू किया है, अगर चाहूँ तो आगे दूसरे सेशंस भी कर सकती हूँ। बेसिक से इसलिए कि हिमाचल जीके का प्रॉपरली कंटेंट और जो प्रॉपर चीज़ें हैं आपको शुरू से फिर से डील करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि एक तरह से जो है कंटेंट बन जाए पूरी तरह से अगर कंटेंट, तो आने वाले टाइम पे जब हम आपके और सेशंस को डील करेंगे तो जो भी कैंडिडेट जुड़े उनके पास ये कंटेंट होना चाहिए, ताकि वो पीछे से देखते चलें और फिर जब हम आगे करें तो हमारे पास सीधे प्रैक्टिस सेशंस हो। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक द वीडियो, गिव मी द फीडबैक, यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द कंटेंट फ्रॉम द बेसिक्स। और ऐसे तो मुझे पता है कि आपको सब कुछ आता है, ये भी मैं जानती हूँ कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट देन अस, बट अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल। 8 बजे का ये हिमाचल जी के है, तो प्लीज़ इसके साथ जरूर जुड़िए और सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका शेयरिंग एंड सब्सक्राइब और लाइक करना इज़ माई मोटिवेशन और यही स्टेप है आपके सामने इंटरेक्ट करने का। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।